हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जब भी एक आप कोर्स में इनरोल्ड होते हो तो उस कोर्स को फिर आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। सो नॉर्मली यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके लिए होंगे। सबसे पहले जिस कोर्स में आप इनरोल्ड होते हो तो वो आपके होम पेज पे दिखेगा, यानी टेक्स्टबुक के वेबसाइट पे जब आप लॉग इन करोगे अपना अकाउंट तो होम पेज पे आपको आपका इनरोल्ड कोर्स दिखेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि सेलेक्ट वाले पेज पे आपको जाना है। सेलेक्ट वाले पेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे सेलेक्ट ऑप्शन पे, यहाँ पे भी वो कोर्स आपको दिखेगा, यानी इस पेज पे जितने भी अपने लाइव क्लासेज हैं वो सारे के सारे क्लासेज आपको दिखेंगे। सो योर लाइव क्लासेज वाले ऑप्शन में आपको वो आपका इनरोल्ड कोर्स दिखेगा। जैसे मैंने आरआरबी एनटीपीसी लाइव कोचिंग का कोर्स परचेज किया हुआ है, अब मुझे सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करते ही कोर्स का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डैशबोर्ड का। तो इस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आपने प्रीवियस क्लासेस को जहां पे रिज्यूम किया है वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे आपका वीकली टाइम टेबल शो करेगा कि आने वाले वीक्स में आपके कौन कौन से डे पे कितने बजे क्लासेज यहाँ पे हैं। सो ये प्रीव्यू क्लासेस में जाके भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सी क्लासेज का टाइम टेबल क्या है। जो भी क्लासेज आप करोगे क्लासेज के पास ही आपको पीडीएफ्स भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यानी जैसे कि क्लास ऑन सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पे जो क्लास है, इस क्लास के होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये ऑप्शन भी यहीं पे अवेलेबल है। इसके अलावा हम बात करें दूसरे सेक्शन की, जो स्टडी प्लान का सेक्शन है, तो इस स्टडी प्लान वाले सेक्शन में जितने भी क्लासेज आपके होने वाले हैं वो डेली प्लान में आपका शो होगा। यानी कौन से डेट पे कौन सी क्लासेज आपकी होने वाली है उस पर्टिकुलर डेट पे, ये लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है सब्जेक्ट व्यू का, तो यहाँ पे ना आप अपने सब्जेक्ट वाइज क्लासेज को देख सकते हो। लाइक आपके नंबर सिस्टम के कितने क्लासेज हैं, सिंप्लीफिकेशन में कितने क्लासेज हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कितने क्लासेज हैं, तो ये सारे डिटेल्स आप यहाँ से नॉर्मली देख सकते हो। तो आपको भी यहाँ पे ना फिल्टर करने में काफी आसानी होगी। अब जैसे आप प्रॉफिट लॉस का क्लासेज आपको करना है, इसके मॉड्यूल्स देखने हैं, इसका प्रैक्टिस करना है, इसके पीडीएफ नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं, तो आप प्रॉफिट लॉस पे क्लिक करोगे यहाँ पे सारे चीजें आपको दिख जाएंगे। इसके बाद बात करें वीकली टाइम टेबल की, तो ये तो आपके डैशबोर्ड पे भी दिखेगा। इसके अलावा अपना वीकली टाइम टेबल का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है जहां पे आप कोर्स के टाइम टेबल को देख सकते हो। जब भी आप कोचिंग क्लासेज करते हो, क्लासेज करने के बाद जो आपको डाउट्स आते हैं उसको आप डाउट एंड डिस्कशन वाले प्लेटफॉर्म पे पुट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम जो टाइम होगा डाउट सॉल्यूशन का वो 24 आवर्स का होगा। मतलब यहाँ पे कुछ भी आपको डाउट आता है कोर्स में तो आपको आस्क डाउट पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को आप पुट कर सकते हो या फिर ऐड इमेज पे क्लिक करके उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे डाल सकते हो। सो वो क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें एक फिल्टर वाइज भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आपको जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डाउट पूछना है या फिर उसके आंसर आए कि नहीं वो देखना है, तो आप इसे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी फिल्टर लगा सकते हो। जैसे आपको जनरल अवेयरनेस में कुछ डाउट था, आपने वो क्वेश्चन पूछा था, तो अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से फिल्टर लगा के देख सकते हो। जितने भी आपके डाउट्स होंगे, जितने भी आपके आंसर्स होंगे, वो माई डाउट्स एंड माई आंसर वाले सेक्शन में आपको शो होगा। बात करें अपने लास्ट सेक्शन की, जो कि अनाउंसमेंट का सेक्शन है, तो इस अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जो भी कोर्सेज में चेंजेज आएंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास आपका पोस्टपोन हो गया या फिर किसी क्लास का टाइम टेबल चेंज हो गया, तो आप इस सेक्शन में आके यहाँ से चेक कर सकते हो। आपको सेम का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, यानी जो भी क्लासेज में अपडेशन होता है उसका नोटिफिकेशन भी आएगा। जब भी क्लास